खबर जनपद चंदौली से है, जहां मुगलसराय पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, चॉपर सहित गोवंशीय मांस बरामद किया है। दरअसल एसपी के निर्देश पर लॉकडाउन का 100% पालन कराने के लिए पुलिस लगातार क्षेत्रों में गश्त कर रही है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कटेसर गांव में कुछ लोगों द्वारा गौकशी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल अपना जाल बिछाते हुए उक्त स्थान को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को पुलिस के द्वारा घिरता हुआ देख गौकशों ने पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। देखिए, रात में गश्त में थाना मुगलसराय की पुलिस निकली हुई थी। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कटेसर गांव में अस्पताल के पीछे खेतों में जो है गोकशी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस गई तो लोग वहां काफ़ी संख्या में बैठे हुए थे और पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, विपक्षियों ने जो बदमाश थे उन्होंने फायर कर दिया और उसके बाद फिर घेर मार कर पुलिस वालों ने लोगों को पकड़ा तो पता चला कि वहाँ खेतों में घूमने वाले जानवर को पकड़कर काट दिया गया है, जो गोवंशी पशु था, और वहाँ से 75 किलो गोमांस बरामद हुआ है, चापड़ बरामद हुआ है। लोगों जो पकड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 315 बोर के तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद की गई है और 1 चापड़ बरामद की गई है। इनके विरुद्ध थाना कोतवाली मुगलसराय में मुकदमा कायम करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों को जेल भेजा जाएगा।